पार्टियों को निर्देश देना हो सके उस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई करना। लेकिन एक बात है कि राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर मैं शुरू से कह रहा हूँ 200% बनना चाहिए, अध्यादेश आना चाहिए, बनना चाहिए और बनेगा। हाँ। और राम मंदिर 100 करोड़ जनता और प्रभु श्री राम के पुरुषार्थ के बल पे राम मंदिर बनेगा। अगर देश के अंदर 1963 में हजरत साहब का बाल खो जाए तो पूरे देश में भूचाल आ जाता है। राजनीतिक हड़कंप हो जाता है, बड़े बड़े शख्स की कुर्सियां हिलने लगती है और फिर हजरत साहब का बाल भी मिल जाता। लेकिन उसी कश्मीर में 7 लाख हिंदुओं को भगाया गया, हमारी बेटी बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, फिर भी न सरकार के चेहरे पर, जो भी सरकार रहे, चेहरे पर शिकन नहीं आई। इससे सीख लेनी पड़ेगी 100 करोड़ राम भक्तों को कि प्रभु श्री राम के मंदिर को 2 बार खुदाई की गई। अब उसमें हमें किसी के प्रभु श्री राम के लिए सबूत के बजाय प्रभु श्री राम के पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ना। लेकिन आपके सहयोगी कैसा क्यों नहीं लगता है?